िटी एंड द कल्चरल डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये है आज की किताब हमारा गुफ्तु का सब्जेक्ट जो गरोदा पब्लिशर्स ने पब्लिश की और बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती डॉक्टर शिलेंद्रा कुमार जी ने यह किताब लिखी किसी तारफ के मोहताज नहीं डॉक्टर साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनानस भारत में और पीएचडी एच डॉक्टर साहब की इकोनॉमिक्स में है बहुत सारी किताबों के आप लेखक हैं और एक बहुत ही मजे हुए सूझवान दानश्वर इंटेलेक्चुअल ब्योक्रैट और उसके साथ साथ भारत की सिविलाइजेशन से प्यार करने वाले हैं मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं दिल्ली से अपने वीडियो लिंक पर डॉक्टर साहब आपको हम वेलकम कहते हैं अपने बिला तकल्लफ शो में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम डॉक्टर साहब ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आपने हमें वक्त दिया चूंकि आपकी मसरूफियात बहुत रहती हैं और बहुत बड़े बड़े काम आपने अपने जिम्मे लिए हुए हैं हम इस बात को समझते हैं बातचीत शुरू करते हैं इस बुक से चूंकि आपकी तो बहुत सारी बुक्स हैं आपसे तो जितनी बातचीत हो कम हो मगर ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि क्रिश्चियनिटी एंड द कल्चरल डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे व्यूअर्स को बताइए जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी इस बुक को लिखते हुए आपके मन में क्या था क्या आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे सबसे पहले तो ताहिर गोरा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्हें उन्होंने मुझे बुलाया और इस विषय पर बोलने के लिए निमंत्रण दिया तो मैं तो धन्य धन्य हूँ कि आपके मंच का मुझे सुख मिल रहा है और जो विषय की बात है तो पुस्तक मेरे हाथ में है सबसे पहले तो मैं पुस्तक ही दिखाऊंगा अपनी किताब को अगर आप लोग देख पा रहे हों तो ये है पुस्तक और ये हर जगह उपलब्ध है कहीं से भी आप ले सकते हैं तो जो आपने पुस्तक के बारे में पूछा तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग है कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी ये बात क्यों मेरे दिमाग में आई तो आप चूंकि जो हमारा उन्नीस के पहले का भारत है उससे परिचित हैं तो आपको यह भी पता होगा कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही है हमारे देश के लोग कैसे जीते आए हैं क्या उनका स्वभाव रहा है और ये जो ईसाइयत है ये कितनी भिन्न चीज है तो मैं आपको बताऊं गोरा साहब की सबसे पहले मैंने बाइबिल का अध्ययन किया उसके बाद में ईसावाद पर जो लिखा गया है पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में उनका भी जो उनके ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ा और इसमें मैं एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूँगा जिनका नाम है कैथरीन निक्सी उनकी एक किताब है डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड और जिसमें वो लिखती हैं बाई क्रिश्चियंस यानी कि क्रिश्चियन ने कैसे क्लासिकल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया डिस्ट्रक्ट किया तो वो यूरोप के बारे में है बहुत कम लोगों को जानकारी है गोरा साहब और हम लोग एक ही मिट्टी के हैं तो आपको पता होगा कि हमें कभी भी किसी स्कूल में कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया गया कि यूरोप में पहले क्या था यहीं से मेरी जो रुचि जगी इंटरेस्ट जगा यूरोप में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब तक ईसा नाम का कोई व्यक्ति बाइबिल में गढ़ा नहीं गया तब तक वहां के सारे लोग हमारे आपके जैसे थे लाखों मूर्तियां थी लाखों मंदिर थे लाखों हजारों पुस्तकालय थे और वो सारे के सारे मूर्ति को पूजते थे देवताओं को पूजते थे और सबसे बड़ी जो बात है इस संसार को जानने के लिए कि वो देवताओं के साथ देवियों को भी पूजा करते थे और जब हम देवियां कहते हैं इसका मतलब जो जिसको आप स्त्री कहते हैं नारी कहते हैं महिला कहते हैं वो स्वयं सम्मानित हो जाती है यानी महिला को आप एक देवी के रूप में देखते हैं चाहे वो मिस्र हो चाहे वो मेसोपोटामिया का क्षेत्र हो चाहे यूरोप हो हर जगह यही बात थी तो हम ये मानते हैं कि भारत हो या यूरोप हो ईसा मसीह से पूर्व हमारी संस्कृति एक थी लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये जो ईसा मसीह के नाम पर जो शुरू हुआ वो क्या था तो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एडम और ईव की कहानी आप जानते होंगे आदम और हुआ की उसमें ईव जो है उसको हर दोष के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया हर गलती के लिए अब ऐसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया कि उसी ईव इव से इविल वर्ड बन गया आप सोचिए जिस नारी को ईसा से पहले पूजा जाता था वह नारी हो गई कुलटा वो हो गई बदमाश वो हो गई बदचलन उसको आप जितने लाछन दीजिए जितना कुछ बुरा भला कहिए वो ईसावाद से शुरू हो गया ये बाइबिल के पहले ही अध्याय में है जिसको आप जेनेसिस कहते हैं हम लोग उत्पत्ति कहते हैं हिंदी में वहां उसका वर्णन है तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या संस्कृति होगी जिसमें एक पुरुष और एक नारी का जो संबंध है उसी को ओरिजिनल सिन कहा गया और चूंकि वो सिन है और हम आप जो पैदा हुए हैं हम लोग सिनर हो गए अब बताइए इस मान्यता के साथ कोई सभ्यता कैसे चल सकती है तो मैंने यहां से शुरुआत की जानने की फिर अपने भारत वर्ष को जानने का प्रयास किया कि हमारे देश में क्या होता है आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि हमारे देश में जो कुछ ईसाई जो लेखक हैं चाहे पश्चिम को या हमारे देश के हो वो कहते हैं कि ईसा मसीह के जीवन काल में ही कोई उनका चेला भारत आया था केरल में लेकिन यदि एक मिनट के लिए मान लीजिए कोई आया भी था और उसने 10-20-50 लोगों को ईसाई बना भी दिया होगा तो उसका कभी कोई नामो निशान हमारे देश में नहीं मिलता है तो असली जो भारतवर्ष में ईसाई आए हैं वो पुर्तगालियों के साथ आए और पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीता और जो पहला गवर्नर था उसका नाम था अल्बुक उसके बाद आप जानते होंगे कि घोर आश्चर्य की बात है कि जैसे स्पेनिश इंक्विजिशन हुआ है वैसे ही गोवा इंक्विजिशन हुआ और वहां पर जो सेंट जेवियर है जिस आदमी की लाश अभी भी वहां है और लोग उसको पूछते हैं उस सेंट जेबियर ने जो काम किया और अपने चेलों के द्वारा और कई सालों तक आप ये समझिए कई हजार लोगों को मरवाया ये जो है आपका जेबियर का किया हुआ या उसके चेलों का किया हुआ काम है केवल गोवा की बात में बता रहा हूं और धीरे धीरे ये प्रसार हुआ और मैंने अपनी किताब में जो पहला चैप्टर दिया है वो अकबर जलालुद्दीन पर लिखा है क्योंकि जलालुद्दीन अकबर ने गोवा से कई ईसाइयों को अपने दरबार में बुलाना शुरू किया 1580 से अब ये ध्यान देने वाली बात है 1580 से लेके 1605 में जब तक जलालुद्दीन मरता है 25 वर्ष तक लगातार गोवा से पादरी आते हैं जलालुद्दीन के दरबार में फतेहपुर सीकरी और कुछ समय के लिए लाहौर में भी जब जलालुद्दीन लाहौर चला जाता है और वो जो पादरी हैं आपको अजीबोगरीब बात लगेगी कि उन पादरियों ने लगातार यह कोशिश की कि अकबर को हम ईसाई बना दें और उसी के साथ भारतवर्ष के सारे लोगों को ईसाई बनाना आसान हो जाएगा तो अकबर तो ईसाई कभी बनता नहीं क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम में उसके पास में कोई इस तरह का चॉइस था नहीं लेकिन अकबर पुर्तगालियों से मैंने कई बार लिखा है और चर्चा की है वो पुर्तगालियों से डरता था कारण यह था कि इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था तो यहां तक कि जो मुगल दरबार के जो महिलाएं थी वो हज वगैरह को जगाती थी तो उनको भी ये पकड़ लेते थे पुर्तगाली और उनसे भी टैक्स मांगते थे तरह तरह की बात करते थे अब नतीजा ये हुआ कि अकबर से पुर्तगालियों ने वो सब करवाया जो करवा सकते थे तो उसने एक फरमान जारी करवाया जलालुद्दीन से कि फरमान जारी करो कि भारतवर्ष में बिना रोक टोक के कोई भी चाहे तो ईसाई बन जाए और आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के जो फरमान होते थे इसको ड्राफ्ट ही करते थे पुर्तगाली आप सोचिए एक राजा है उसके पास में बहुत सारे लोग हैं जो ड्राफ्ट करते होंगे और राजा अप्रूव करता होगा लेकिन यहां पे उल्टा था पुर्तगाली ड्राफ्ट करते थे और वही फाइनल ड्राफ्ट होता था और वही फरमान जारी होता था तो ईसाई बेरोक टोक लोगों को बनाया जाए ये फरमान हमारे भारतवर्ष के इतिहास में कभी किसी दूसरे आदमी ने जारी नहीं किया जो जलालुद्दीन अकबर ने किया तो ये एक ऐसी बात थी जो अन्यत्र मुझे कभी दिखी नहीं मैंने अपनी पुस्तक में जो पहला चैप्टर है वो इसी पर डिवोट किया है और मैंने नाम दिया है अंग्रेजी में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो लेबोरेटरी ऑफ कहिए कि क्रिश्चनाइजेशन इन द कोर्ट ऑफ जलालुद्दीन या मैंने लिखा है जलालुद्दीन का दरबार जो है वो ईसावादियों का जो है एक तरह से प्रयोगशाला है लेबोरेटरी उसके बाद में उसने जलालुद्दीन से वहां पे गिरजाघर बनाने के लिए उसने वो भी फरमान जारी करवाया आपको पता होगा कि जब इस्लाम होता है तो उसमें दूसरे मजहब के दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं उनके जो इबादत गाह हैं उनको इजाजत नहीं दी जाती है तो यहां तो मेजोरिटी हिंदुओं की थी तो हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए अकबर जलालुद्दीन ने अनुमति नहीं दी लेकिन ईसाइयों के गिरजाघर बनाने के लिए अनुमति दी ये ऐसी बात थी जो मैंने अपने पहले अध्याय में लिखा है और दूसरा जो चैप्टर है किताब का वो सीधा आ जाता है अठारह में और आप पूरी तरह परिचित हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं अठारह की क्रांति या महासमर या अंग्रेजी वाले जो कहते हैं उनको रिवोल्ट तो वो जो था गोरा साहब वो आज का जो वो ग्रंथ अवेलेबल है हमारे पास वो ये सिद्ध करते हैं कि वो जो क्रांति थी उसका एक सबसे बड़ा कारण था हिंदुओं का धर्म और इस्लाम का मजहब और इसीलिए दोनों इकट्ठा इक हुए थे क्योंकि दोनों को लगा था कि ईसाइयों का हमला हो गया है और ये हम दोनों को मिटा देंगे तो उन्होंने जोरदार टक्कर की थी जो ऐसा भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए पता नहीं क्या क्या अत्याचार हुआ इन लोगों पर और उसमें मैं ये मानता हूं गोरा साहब कि उसमें हमारे भारत वर्ष के लोगों की जीत हुई जीत किस लिए किस तरह से हुई वो मैं बताता हूं आपको क्योंकि वहां पर कोई नेगोशिएटर नहीं था कोई भारतीय नेगोशिएट नहीं कर रहा था अंग्रेज अंग्रेजों से तो अंग्रेजों के साथ समझिए कि भयंकर युद्ध हुआ आपको पता ही है आज का जो उत्तर प्रदेश है बिहार है दिल्ली है उसमें लाखों लोगों को मारा गया और भयंकर कहिए कि उसका भीषण परिणाम हुआ लेकिन इसका इंग्लैंड में जो असर हुआ कि कंपनी का जो था जो भी कहिए मैं तो मानता नहीं हूं को राज था कंपनी का लेकिन कंपनी जो भी कर रही थी उसको समाप्त कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं हमारी सरकार अब होगी तो मैं ये मानता हूं कि पहली बार अंग्रेजी सरकार की शुरुआत ही हुई अठारह उससे पहले कोई अंग्रेज की सरकार वहां नहीं थी लेकिन इसमें मजे की बात यह हुई कि अठारह में जो वायस राय था भारत में उसने इलाहाबाद में जाकर के हजारों लोगों के बीच में जो उस समय की जो महारानी थी उसका जो एक्ट में और जो उसका कहिए कि आप डिक्लेरेशन था उसको आम लोगों के बीच में पढ़ा और वह भारतवर्ष की बहुत बड़ी जीत है जो आमतौर पर लेखक उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि तो उसमें बार बार कहा गया कि हम किसी भी धर्म जाति मजहब या समाज का कोई भी जो विषय होगा मुद्दा होगा उसको अब नहीं छेड़ेंगे उसको हम नहीं उठाएंगे हम आपके समाज में दखल नहीं देंगे यह आपका व्यक्तिगत मामला है या आपका घरेलू मामला है जितने राजा महाराजा थे उनके लिए भी कहा गया कि हम आपका राजपाट नहीं लेंगे अब आप आराम से राजपाट करते रहिए इसका कारण यह था गोरा साहब कि इससे पहले 1813 के चार्टर से इंडिया में अंग्रेज ईसाई आए थे लोगों को ईसाई बनाने तो 1813 से लेके ध्यान रखिए अठारह तक इन्होंने पूरे देश में एक हिसाब से तांडव किया था कि हिंदू हो या मुसलमान हो उनको ईसाई बना देना है लेकिन जब ये क्रांति हुई तब इनकी समझ में बात आ गई कि यहां पर बहुत मुश्किल है ईसाई बनाना इसलिए ये लोग नॉर्थ ईस्ट में भाग गए और यहीं से मेरी किताब की शुरुआत होती है इन्होंने कहा कि जो देश का मेन लैंड कहते हैं वहां पर ईसाई बनाना लगभग पॉसिबल नहीं है इसलिए हमें बेकार में मेहनत नहीं करनी चाहिए या तो जंगलों में जाइए जहां लोग आदिवासी रहते हैं ट्राइबल कहते हैं वो हैं नॉर्थ ईस्ट में जो वैसे ही आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन के हिसाब से थोड़ा कटा हुआ है। तो वहां ये काम करना रिलेटिवली इजी है तो वहीं से उन्होंने धारा मोड़ दी नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने जो लिखा उसमें ऐसा है कि कई बार वहां की मैंने यात्रा की वहां के लोगों से बातचीत की वहां पर जो लिटरेचर अवेलेबल है उनका अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के आठ राज्य हैं जिनमें से आपको मैं बताऊं मिजोरम नागालैंड मेघालय उसके बाद मणिपुर और कुछ एक्सटेंट तक अरुणाचल इनमें जो है ईसाइयों का बहुत बड़ा कहिए कि इन्फ्लुएंस है मेजोरिटी तो है ही मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मिजोरम हो या नागालैंड वहां पर आप मान के चलिए कि एक तरह से ईसाइयों का ही राज है उन्हीं का कानून है उन्हीं का काम चलता है और वो जो है शुरू से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों ने वहां पर लोगों को पढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और गवर्नमेंट का बजट है तो बजट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दोनों दे दिया चर्च को ये बहुत कम जगह दुनिया में हुआ होगा कि नॉर्थ ईस्ट में उस समय का जो की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वो फंड भी दे दिया और डिपार्टमेंट भी दे दिया तो इसका मतलब भारत सरकार के पैसे से वहां पर स्कूल बने और पढ़ाने वाले सारे चर्च के लोग थे तो वहां पर एक कहावत चल पड़ी कि जो भी बच्चा स्कूल जाएगा और जब निकलेगा तो ईसाई होकर निकलेगा और मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाऊं कि एक यूरोपियन स्कॉलर मेघालय के किसी जगह में रह करके बहुत सालों तक अध्ययन किया उन्होंने लिखा है कि वो उनके अपना जो अनुभव है एक ही व्यक्ति उनको मिला था जो ईसाई नहीं बना था अब इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि वो क्या स्कूल में पढ़ाते थे और क्या उसका रिजल्ट होता था तो ये तो फिर भी छोटी बात है कि उन्होंने ईसाई बना दिया बड़ी बात क्या है कि आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला और मूवमेंट मामूली नहीं था वो मूवमेंट था वायलेंट क्योंकि तो जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज हमारे यहां से गए तो ठीक उसी रात को नागालैंड ने अपना झंडा गाड़ दिया कि हम अलग हो गए उसके थोड़े समय बाद मिजोरम ने कहा कि हम भारत से अलग हो गए और इसमें जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है उस समय का उसका बड़ा हाथ है और बगल में चीन का हाथ था तो इन दोनों जगह पर आप समझिए भारत सरकार को युद्ध लड़ना पड़ा और धीरे धीरे जाकर के सिचुएशन को कंट्रोल में कर, किया गवर्नमेंट ने लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी लगभग तीन दर्जन एक दो नहीं तीन दर्जन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वायलेंट हैं और जो Uh, कहिए कि एंटी गवर्नमेंट है और तीन जो हैं मैं बताना चाहूंगा इन सबका तीन कैरेक्टरिस्टिक में पहला यह है कि ये सारे के सारे क्रिश्चियन हैं दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे वायलेंट हैं और थर्ड यह है कि सारे के सारे आपको अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं फोर्थ यह है कि इनको मोस्टली पहले तो ईस्ट पाकिस्तान करता था बांग्लादेश में उतना नहीं है लेकिन मोस्टली ये इनको सपोर्ट मिलता है चीन से यानी चाइना से तो ये आप समझिए कि इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम लिखा है सांस्कृतिक संहार मतलब डिस्ट्रक्शन है ये ये ऐसा डिस्ट्रक्शन है जिसको आप रिट्रीव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह समझिए कि जो उनका कहते हैं ना जो उनके पूर्वज थे उनके मां बाप थे उनके दादा थे वो कैसे जीते थे किस चीज को सम्मान देते थे वो सब समाप्त तो अभी के लिए शुरुआत की आपकी जो बात थी उस पर मेरी यही टिप्पणी है। बहुत आपने डॉक्टर साहब जिसे कहते हैं आर्टिकुलेट अंदाज़ में और बहुत ही सिंपल अंदाज में हमें हिस्ट्री बताई जो पुर्तगालियों के भारत में 1510 से जो उनका आगाज़ हुआ जो इम्पीरियलम आया जलालुद्दीन अकबर जो अपने आप को कहते थे कि मैं दीने इलाही का मौजद हूँ आ, वो दीन इलाही भी एक बहुत बड़ा डकोसला साबित हुआ हिस्ट्री ने हमें बताया लेकिन डॉक्टर साहब जो हिस्ट्री आप लिख रहे हैं वो तो बहुत ही साइंटिफिक है फैक्ट्स पे बेस करती हुई है भारत में इस तरह की हिस्ट्री क्या आपको नज़र आती है जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है जो आप हिस्ट्री साइंटिफिक अंदाज में पेश करते हैं क्या उस तरह की हिस्ट्री भारत के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है मैं इस सवाल के हवाले से जरूर आपसे कुछ जानना चाहूंगा नहीं हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जाती तो मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये केवल भारत की बात नहीं है यूरोप में भी असली हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है आप कम ही देखेंगे कि यूरोप में जो आज के ईसाई हैं वही तो यूरोप को उन्होंने बर्बाद किया है जिसको हम रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं उनको किसने समाप्त किया आज के जो ईसाई हैं उन्होंने आप सोचिए कि फोर्थ सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक आदमी था जो वहां का एम्पेयर था उसने क्रिश्चियनिटी स्वीकार की और उसके बाद में मंदिर तोड़े लोगों को मारा और ऐसा मारा भयंकर अत्याचार किया कि लगभग फॉर वन थाउजेंड ईयर्स मतलब एक हजार साल तक शताब्दी तक पूरे यूरोप में अंधयुग था जिसको हम कहते हैं डार्क एज लेकिन आप मुझे बताइए यूरोप में में क्या 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 किसी ब्रिटिश को बताया जाता है कि उनके इतिहास में पहले क्या था क्या उनको कोई पश्चाताप है आप जहां बैठे हैं कनाडा से लेके लैटिन अमेरिका तक स्टर्डर्ड जैसे बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने किया है बताया है कि दो चार प्रतिशत छोड़ के लोगों को बाकी सबको मार दिया गया क्या ये इतिहास वहां बताया जाता है ये केवल भारत की बात नहीं है भारत में तो और भी बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ चूंकि अंग्रेजों का शासन रहा तो अंग्रेजों ने वो हमें बताया जो अंग्रेज हमें बताना चाहते थे वो हमें कैसे बताते कि उन्होंने अत्याचार किया है या इंग्लैंड में उन्होंने अत्याचार किया जर्मनी में किया आप जानते हैं कि जो बार्बेरियन वर्ड है वो आज के जो यूरोप के लोग हैं उन्हीं ने लोगों ने अपने लिए यूज किया था उनको बार्बेरिक कहा गया आज जो आपका फ्रांस है वो गोल था और वो कैसे कैसे कारनामे करते थे जो हमारे यहां आपको जानकर आश्चर्य हुआ हमारे यहां सती प्रथा बना दी ईसाइयों ने क्योंकि उन्होंने लाखों महिलाओं को अपने यहां जलाया था यूरोप में तो उनको खुद मालूम था कि उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया है तो भारत में आकर के राजा राम मोहन राय जैसे आदमी को पटा करके उन्होंने सती को प्रथा बनाया प्रथा मतलब होता है प्रैक्टिस भाई सती भारत में कभी प्रैक्टिस नहीं थी आप मुझे बताइए ना एक राजा होता था बीस साल का बाईस साल का उसकी राजकुमारी होती थी जब यहां पे मुसलमानों का हमला हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी जो पत्नी थी बेगम थी उसके साथ अत्याचार शुरू हुआ तो उस महिला को लगता था कि हमें तो जल जाना मर जाना बेहतर है हम उसके हरम में क्यों जाएं तो जब इंडिविजुअल करते थे तो उसको सती कहते थे अगर कलेक्टिवली कहते थे तो उसको जौहर कहते थे तो ये जो स्थिति है कैसे कैसे अत्याचार उन्होंने हमसे करवाए हैं वो हमें क्यों बताएंगे दुर्भाग्य हमारा यह है गोरा साहब कि ये जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन जो अंग्रेजों का बनाया हुआ इतिहास है उसको जिसको आजकल कहते हैं वामपंथी तो वो जो वामपंथी हैं लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने उसको अपना लिया और अपनाने के साथ साथ वही इतिहास चल पड़ा लेकिन उस इतिहास की जो है कलई खुल गई है आप जैसे लोगों के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा क्योंकि अब कोई चीज छुपी हुई नहीं है अब मैं कोई चीज ढूंढता हूं अपने रिसर्च के लिए तो मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है पहले आपको नहीं मिल सकती थी अब देखिए ना उदाहरण में आपको मक्का शब्द साफ साफ नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको क्या करते हैं ट्रांसलेटर की वो ब्रैकेट्स में डाल देते हैं मक्का तो जब मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो दो चार पांच दस आठ कुरान के वर्जन देखता हूं मैं इंटरनेट पे तो मुझे चीजें पकड़ में आ जाती हैं इसलिए आज जो सबसे बड़ी चीज है सत्य जानने के लिए वो आपकी टेक्नोलॉजी है और चूंकि अब ये सत्य बाहर आ गया है इसलिए स्कूल कॉलेज में भी आएगा और थोड़ा बहुत परिवर्तन पिछले दो तीन साल से हुआ है भारतवर्ष में कॉलेज वगैरह में सिलेबस काफी कुछ बदल गया है और मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहूंगा यहीं पर जैसे आप देखेंगे कि जलालुद्दीन को जब मैं पढ़ रहा था तो एक उसमें कहानी आती है कि उसने अपने बेटे सलीम को कहा कि तुम यहां से अपने लाव लश्कर लेके जाओ और महाराणा प्रताप पर हमला कर दो अब सलीम अपने वहां से दरबार से निकलता है दस कोस या बारह कोस कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरे रास्ते से कहीं और चला जाता है अब आप इस बात से क्या समझते हैं आप ये समझिए कि न केवल जलालुद्दीन डरा हुआ है उससे महाराणा प्रताप से बल्कि उसका बेटा भी डरा हुआ है तो जब आपको एक बार यह मालूम हो गया तो जलालुद्दीन की कलई खुल जाती है दूसरी बात उसकी जब जलालुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे तो जो आपके जो उन उस समय के जो लेख लिखने वाले हैं बदायु हैं और भी लोग हैं तो वो बड़े सम्मान में कहते हैं अदब से कहते हैं कि बादशाह को पढ़ने की जरूरत क्या है अब इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि बादशाह लगभग अनपढ़ है तो जो आदमी अनपढ़ है जो आदमी डर रहा है जो आदमी पुर्तगालियों से डर रहा है जो आदमी महाराणा प्रताप से डर रहा है आप उसको महान बना देंगे ग्रेट बना देंगे तो कितने दिन चलेगा वो तो यह मेरा उत्तर है आपकी बात पर प्रश्न पर कि आपने पूछा कि लेकिन अच्छी बात है कि अब यह धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मुझे उम्मीद है थोड़े समय बाद और भी बदलाव आए बहुत आपने अहम बात की डॉक्टर साहब आपने कहा कि हिस्ट्री जो है सिर्फ भारत में ही एक गलत नैरेटिव के साथ नहीं पढ़ाई जाती उसका बुरा हाल यूरोप में भी है मगर यहाँ फ़र्क ये है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यहाँ पर हिस्ट्री को स्पिन करके इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो आज के नेशनल इंटरेस्ट हैं सो so कॉल्ड उनके टेक केयर के लिए यहाँ पे आ, स्पिन किया जाता है अनफॉर्चुनेटली भारत में जो सत्तर पचहत्तर साल से स्पिन किया गया वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था और अब ये एक अच्छी बात है कि कुछ सालों से धीरे धीरे वहाँ पे बदलाव आ रहा है अब ये जो किताबें हैं जिस तरह ये आपकी किताब है हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि भारत के मैसेज को ये बताए मगर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल बुक इंडस्ट्री है उस पर आज भी वेस्टर्नर स्पिंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका कब्जा है तो आपकी ये जो किताब है ये इंग्लिश में इस तरह आए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये पढ़ी जाए ऑडिपल पे आए और यहां की डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आए तो इसका इम्कान डॉक्टर तो साहब कितना नजर आता है नहीं आपकी बात बहुत अच्छी है देखिए मेरे लिए तो क्या है कि मैं आपको आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं आप मेरी बात समझेंगे देखिए हमारे यहाँ क्या है गोरा साहब कि हम अपने आप को अंग्रेजों के बताने से या जो बाहर के लोग आए जिनमें कई ऐसे भी मुसलमान थे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया और हमें कुछ कुछ बता दिया आपको बड़ा गर्व होगा जान करके कि ये जो भारतवर्ष है ये भाषाओं की जननी है भाषाओं की माँ है दुनिया में कहीं भी इतनी भाषाएं इतनी समृद्ध भाषाएं नहीं है आप कभी भी बाइबिल को के बारे में सोचिए मैं आपको एक शब्द देता हूं बाइबिल बाइबिल शब्द का मतलब है आ, किताब क्योंकि बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स तो बाइबिल शब्द का मतलब है किताब अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई अपनी किताब को किताब नाम देगा इससे पता चलता है कि बाइबिल उस समाज की पहली किताब थी किताब का नाम देने के लायक नहीं थे वो अब कुरान पर आइए कुरान शब्द जो है संस्कृत के क्रंदन और उसी से मिली जुली भाषा जो अरमाइक है उसमें आता है उसको भी क्राई से रिलेटेड माना गया है जोर से बोलना जोर से चिल्लाना जोर से कहना इससे भी आपको अंदाज हो जाता है कि उन्होंने नाम क्या दिया अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ लगभग बत्तीस हजार साल पहले वेद लिखे गए वेद शब्द का मतलब ज्ञान है किसी भी चीज में वेद लगा दीजिए वो ज्ञान हो गया धनुर्वेद यानी कि धनुष का ज्ञान आयुर्वेद मतलब जो मेडिकल साइंस है उपनिषद का मतलब होता है गुरु के साथ बैठ के शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है भगवत गीता का मतलब होता है जो भगवान ने गीत गाया आप हर किताब के नाम से ही आप सबको सम, समझ में आ जाएगा कि यहां के लोग कितने बड़े ज्ञानी थे और भाषाओं पर उनकी क्या पकड़ थी इसलिए मेरे लिए तो बड़ा स्वाभाविक है कि मैं अपनी भाषा में लिखूं और आपको एक बात और जानकारी होगी कि भारत वर्ष के तीन करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं ये इतनी बड़ी संख्या है जो संख्या आपके देश के बराबर है या पता नहीं थोड़ा सा कम या बेस होगी तो वो जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी अपनी भाषा में भी लोग समझे जाने आपकी बात यह सही है जो बिल्कुल ही हमारे देश की भाषाओं से परिचित नहीं है उनके लिए अंग्रेजी एकमात्र माध्यम है तो उसमें मुझे खुशी होगी कि यदि इस पुस्तक का ट्रांसलेशन हो और इस रूप में जाए और विशेषकर आप जैसे मंच पर उसकी चर्चा हो अंग्रेजी में तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे वेस्टर्न कंट्रीज को भी फायदा होगा क्योंकि तो मैं मानता हूं जो मैंने लिखा इस किताब मेरी किताब का नाम पूर्वोत्तर है नॉर्थ ईस्ट लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें बहुत सारी बातें यूनिवर्सल हैं और बहुत सारी बातें पूरे भारत की हैं जैसे मैंने जलालुद्दीन की बात कही उसको उस समय तो नॉर्थ ईस्ट का कोई नाम भी नहीं जानता था और जो मैंने यूरोप और अन्यत्र का उदाहरण दिया है वो सब भी आ, पूरे विश्व के लिए है यूनिवर्सल फैक्ट है वो केवल इंडिया रिलेटेड नहीं है तो इसलिए अगर वो अंग्रेजी में आए तो मुझे बेहद खुशी होगी तत्काल तो मैंने हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखता हूँ बड़ी सुविधा होती है लिखने में में आपसे बात करने भी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये लिखा है डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे व्यूअर्स को बताया और बहुत ही फिलोसफिकल जो उसमें जो उसके एंगल्स हैं जो उनके जाविये हैं आपने उन जावियों से बताया किताब की भारत की जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या हैसियत रही है हज़ारों सालों से किताब को कितना अहमियत दी गई आपने ज़िक्र किया जैसे बाइबल का कि वो शब्द इट्ल्फ़ जो है वो किताब है मगर उससे ये नहीं पता चलता कि वो क्या चीज़ को एड्रेस करेगी लेकिन जो वेद हैं या जो भगवत गीता है वो अपने नाम से बताती हैं किताबें कि ये किन इश्यूज को एड्रेस करेंगी और जो आपने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी समझता हूँ कि इंग्लिश में फ्रेंच में जर्मन में जो आपके ख्याल हैं जो आपकी ये बुक है वो आए और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस बुक में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही प्रिसाइज uh, uh, वो नहीं है कॉन्टेक्स बल्कि उसको बना के एक परस्पेक्टिव बहुत सारी जनरल बातें भी हैं इसलिए हमारे व्यूर्स जो इस किताब को पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत पसंद करेंगे तो डॉक्टर साहब इस वक्त का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर क्रिश्चैनिटी की या इवन इस्लाम की क्या सिचुएशन है और मैं ये समझता हूँ कि भारत का अगर कोई क्रिश्चन भी हो मुस्लिम भी हो वो अपनी क्रिश्चियन या इस्लामिक फेथ क्लब में तो होगा बुनियादी तौर पर तो वो भारतीय सिविलाइजेशन का ही सोल है तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने आप को भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा आज के दिन अगर हम देखें तो वो समझते हैं या अपने आप को अलग किसी दुनिया का हिस्सा समझते हैं या उसी ही ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें उम्मा के बहुत सारे लोग फंसे होते हैं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको थोड़ी सी गंभीरता से हमको समझना पड़ेगा देखिए क्या है उनकी कोई गलती नहीं है मैंने अपनी पुस्तक में डिटेल में लिखा है उनका कोई दोष नहीं है दोष क्या है दोष इसको आपको समझना पड़ेगा ईसाइयत में है वो क्या है वो फंडामेंटल है फंडामेंटल ये है कि आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक चर्च के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो चर्च का पादरी आपको पढ़ा रहा है या नन पढ़ा रही है? तो वो भारत में वो स्कूल है वो आपको स्कूल में ये दोनों मिलके आपको क्या पढ़ाएंगे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं अगर कल्चर है सिविलाइजेशन है या हिस्ट्री है तो इसके बारे में या आर्ट है उसके बारे में जब वो पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या पढ़ाते हैं अगर वो कहेंगे कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है और यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूं कि यूनाइटेड नेशन ने कोई लिस्ट बनाई है आ, सारी सिविलाइजेशंस की वर्ल्ड में तो शायद छियालीस टोटल सिविलाइजेशंस हैं वर्ल्ड में रही हैं आज तक उनमें से एक सिविलाइजेशन भारत की है जो बची है पैंतालीस खत्म हो गई तो ये हमें बड़ा गर्व होना चाहिए आपको भी गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि से आते हैं जो एकमात्र सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में जो जिंदा है लिविंग सिविलाइजेशन तो अगर कोई चर्च का स्कूल अपने बच्चे को यह पढ़ाता है तो आप ये मान लीजिए कि वो समझने वाला बच्चा या तो ईसाइयत छोड़ देगा या ईसाइयत के प्रति उसका कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा और यह मैंने एक एग्जाम्पल एक दिया है मैं आपको दस एग्जाम्पल देता हूं अगर वो कहेगा कि भारत में बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं वो बाइबिल की तरह ध्यान नहीं देगा उसकी तरफ अगर वो पढ़ाएंगे कि भारत में लिटरेचर बहुत रिच रहा है वो यूरोपियन लिटरेचर को नहीं देखेगा अगर वो कहेंगे कि यहां पर मानवता ह्यूमेनिटेरियन ह्यूमेनिटी को लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है तो आपके जो टोटल फ्रेंच रेवोल्यूशन और दुनिया जहां जितने जो स्लोगन आए वो सारे बेमानी हो जाएंगे तो मेरा मानना यह है कि इंडिया में जो क्रिश्चियन का व्यू है स्कूल है उनकी जो फिलोसफी है वो इंडिया के इंटरेस्ट के डायरेक्टली अपोजिट है इसलिए जब तक वो पढ़ाएंगे जब तक वो बताएंगे तो वो भारत के विरोध में ही जाएगा इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि एक दो ऐसे क्रिश्चियन हैं जो बड़े होते हैं जैसे हम आप अपने आप स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं उनमें से बहुत सारे ईसाइयों को मैं जानता हूं जिन्होंने स्वयं अध्ययन किया और स्वयं ये पता लगाया कि उनको जो पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया वैसे कुछ लोग पैदा हुए हैं और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ भारत में कभी भी किसी राजा को जनता ने नहीं मारा क्योंकि हमारे यहां जो राजा की परंपरा रही है राजा तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसको समाचार नहीं मिल जाए कि उसकी जनता ने खाना खा लिया है इसीलिए आप देखेंगे खराब से खराब राजा को हमारे यहां किसी जनता ने नहीं मारा है यूरोप में अरब में आज भी यह काम चल रहा है मैं इतिहास की तो बात ही नहीं कर रहा तो हाँ, ये इससे कुछ ईसाई जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने भारतीय धर्म को समझने की कोशिश की है भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की है उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि इससे अच्छी भूमि धरती पर नहीं है जहां पर राजा कितनी चिंता करता है आप देखिए ना कि यहां के राजा बिल्कुल लालची नहीं है मैं उदाहरण देता हूं भगवान राम ने श्रीलंका को जीता उस राज को अपने राज में नहीं मिलाया उन्होंने किसी और को दे दिया भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो वो राज खुद नहीं लिया किसी और को दे दिया इस तरह की जो उदारता है सेक्रीफाइस करने की जो बात है वो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा तो इससे जो मतलब जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस हैं कि सौ में से एक दो ईसाई ऐसे हैं जो अपनी ओर से पढ़ते हैं तो उनको ये जानकारी मिलती है लेकिन इंस्टीट्यूशन जो उनका है वो बाय नेचर अगेंस्ट नेशन है ये उनके लिए इनहेरेंट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपने सही कहा केवल क्रिश्चियनिटी की नहीं है इस्लाम की भी प्रॉब्लम आपको एक ही चीज पकड़नी है ना या तो आप इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे आप दोनों चीजें नहीं कर सकते जब तक आप दो पाओ नाव पे पैर रखेंगे आप कहीं के नहीं रहेंगे अब आपको मैं एक दो और एग्जाम्पल बताऊं मैंने अपनी पुस्तक में थोड़ा बहुत इसका उल्लेख किया है कि कुरान में किसी नेशन स्टेट की परिकल्पना नहीं है क्योंकि तो वो उमा को मानते अब देखिए ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जब आपको आपका कुरान कही नहीं रहा है कि कोई नेशन होता है राजा भी नहीं होता वहां तो खलीफा होता है अगर आप सऊदी अरब में देखेंगे वहां राजकुमार भी राजा है तो दोनों कुरान के स्पिरिट के खिलाफ है क्योंकि उसमें ना राजा है ना रानी है ना राजकुमार है जब राजा ही नहीं तो राजकुमार कहां से आएगा तो बाइबिल में भी वैसे ही है बाइबिल में ईसा मसीह ने कहा है कि ऊंट एक सुई में घुस के निकल सकता है मतलब सुई में जो छेद है जिसमें धागा घुसता है उसमें ऊंट जा सकता है लेकिन धनी बनी आदमी कभी हेवन में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है टोटल जो आपका इकोनॉमी है प्रोस्पेरिटी है उसके अगेंस्ट ईसा मसीह और वहां भी कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है वो तो कह रहे कि सारी दुनिया हमारी है तो मेरे कहने का मतलब है ये सब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो 2000 साल से शुरू हुई है सारी दुनिया में और मैं मानता हूं कि सारी दुनिया को इससे लाभ कम हानि अधिक हुई है और कोई आश्चर्य नहीं है कि 50 प्रतिशत जो प्यूर रिसर्च है अमेरिका का ये और भी रिसर्च है जो बताते हैं कि पचास परसेंट जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियनिटी से दूर हो चुके हैं और मैं ये मानता हूं जो बाकी बच्चे हैं वो भी दूर हो जाएंगे क्योंकि जब कहा किसी ने कि भाई गैलीलियो ने कहा कि सूरज के किनारे चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उसकी गर्दन काट दी गई तो वहां तो बाइबिल में ज्ञान का महत्व ही नहीं एक एक स्लोगन है उसमें कि जो बेवकूफी है मूर्खता है हम तो उसका उत्सव मनाते हैं हमको पढ़ने की क्या जरूरत है तो उसमें वही है फिर इस्लाम में भी उसका कोई वैल्यू नहीं किया गया तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फिर यह प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं ये केवल नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है सारी दुनिया के लिए कि आपने आप कभी देखिए लैटिन अमेरिका को आप अफ्रीका को देखिए कि उनका क्या हाल कर दिया उन्होंने आप जहां बैठे हैं वहां के बगल में ही आप देखिए ना अमेरिका में हरसन नदी है मैं कभी सोचता हूं उस नदी का नाम किसने रखा क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि वहां के रहने वाले जो लोग थे वो किस उस नदी को किस नाम से पुकारते थे आज कोई बाहर का आदमी आया गंगा का नाम कुछ और कर दे मुझे कितना बुरा लगेगा लेकिन अमेरिका में कनाडा में ब्राजील में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है आपने पहाड़ के नाम बदल दिए नदी के नाम बदल दिए गांव शहर के नाम बदल दिए जो कि आपका कुछ भी नहीं था तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया लेकिन इसका जवाब यह है कि इनहेरेंटली उनके साथ, साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो भारत के साथ नहीं चले अगर चलेंगे तो ईसाइय समाप्त हो जाएगी डॉक्टर साहब एक और आखिर में मैं आपसे बात समझना चाहता हूँ हमारे व्यूर्स भी समझना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसा कि आपने कहा कि 1947 से कुछ मूवमेंट चलना शुरू हुई पहले तो वो उस वक्त का जो मशरकी पाकिस्तान होता था उसकी तरफ से एक जो प्रोवोकेशन थी वो थी फिर चाइना का फैक्टर भी रहा फिर हमने ओवर द दे डिकेट्स देखा कि माओवादी जो ऑर्गेनाइजेशन uh, थी वो भी चली और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका इन्फ्लुएंस उन पर होता था जो क्रिश्चन ग्रुप अपने आप को कहलाते थे अब कम्युनिस्टी और क्रिश्चियनिटी कैसे एक दूसरे के साथ चल सकते थे ये भी पॉसिबल नहीं था इवन इस्लाम uh, और uh, कम्युनिज़म भी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते तो वहाँ पे अब सिचुएशन तो काफ़ी कंट्रोल में है हमें जो यहाँ बैठ के पता चलता है लेकिन उसके असरात अभी भी नॉर्थ ईस्ट में हमें कैसे देखते हैं खासतौर पर चाइना की जो फंडिंग है जा चाइना का जो वहां पे अपना पॉलिटिकल असर रसूख है वो उन क्रिश्चियन पॉकेट्स पे कैसे दिख रहा है और ये कैसे ये लॉजिकल भी है देखिए आपने जो प्रश्न किया उसमें ऐसा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अलगाववादी काम चल रहा था वहां पे या जो रिवोल्ट चल रहा था या कहिए कि हिंसा हो रही थी वायलेंस हो रहा था उसमें इतना बदलाव आया है गोरा साहब कि वो हमारे आपकी कल्पना से परे। मैं स्वयं वहां गया और इसमें आज की जो सरकार है आज का जो डिस्पेंसेशन है उसने बड़ी मेहनत की है बहुत काम किया है इन्होंने क्या किया कि जो बॉर्डर है हमारा इंडिया का उस बॉर्डर को बहुत कंट्रोल किया है वहां पर जो व्यवस्था थी उसको बहुत व्यवस्था कड़ी हुई है दूसरा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले पांच छह साल में वो अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि ये जो काम कर रहे थे उनका एक बहुत बड़ा बेसिस क्या था कि रेस्ट ऑफ इंडिया से उस एरिया को ज्योग्राफिकली काट के रखना है इस गवर्नमेंट ने क्या किया हर स्टेट के कैपिटल को पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि बाई एयर बाई ट्रेन बाई रोड हमको जोड़ देना और वो काम चार पांच साल में इस मतलब पेस में हुआ है कि वो लगभग कंप्लीट हो गया उससे क्या हो गया है कि अब आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए जाना आसान है उनके लिए हमारी तरफ आना आसान है तो ये कम्युनिकेशन जो है इसने बहुत बड़ा काम किया है उससे अब दूसरा क्या है कि कोई आतंकवादी हो जाए कुछ हो जाए उनको पकड़ना भी आसान हो गया गवर्नमेंट का जो की जो पॉलिसी है वो इस जीरो टॉलरेंस है पहले ऐसा नहीं था पहले किसी को पकड़ा फिर छोड़ दिया फिर पकड़ा लेकिन अब क्या है कि बड़ी शक्ति है उस पर बांग्लादेश के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर काम किया उसमें अच्छी बात क्या हुई जो इंडिया से भाग के बांग्लादेश गए थे सबको बांग्लादेश ने वापस कर दिया तो ऑब्वियसली उनको पनिशमेंट मिला उनको दंड मिला वो जेल में है तो वैसे ही कंट्रोल हो गया चाइना का जो हाल है एक दो लोग चाइना में थे लेकिन उनके साथ भी शक्ति हुई और वो चाइना से अलग हो गए चाइना में नहीं है वो चाइना क्या करता है कि वो प्रॉक्सी काम करता है वो किसी प्रकार से फंड देने का काम करेगा माहौल बनाने का काम करेगा जैसे इंडिया में कोई आदमी पता चल जाए कि ये नॉर्थ ईस्ट में सिंपिथाइजर है नॉर्थ ईस्ट का तो वो उसको किस तरह से फंड करेगा चाहे वो अखबार में लिखे टीवी पे डिबेट में आए कुछ करे इस तरह से माहौल बनाने का काम करता है चाइना लेकिन सिचुएशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ इसमें कोई दोहरा नहीं और ये मानता हूं इंप्रूवमेंट होगा लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी भी ये है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी बची हुई है और वो है उसका नाम है आप लोग पता नहीं जानते होंगे नहीं जानते होंगे उसका नाम है परमिट इनर लाइन परमिट नाम है ये अंग्रेजों ने शुरू किया था कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से कोई आदमी इस एरिया में नहीं जाए अगर आप जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है तो मैंने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि इसको अगर आप नहीं हटाएंगे तो भारत के लोग जो शेष भारत है रेस्ट ऑफ इंडिया है वहां से लोग वहां आसानी से नहीं जा सकते तो वो जब तक जाएंगे नहीं तो एक जो कल्चरल यूनिटी होती है इंटीग्रेशन होता है वो जो प्रोसेस है वो स्लो रहेगा इसलिए पहला काम यह करना है कि इस इनर लाइन परमिट को आप खत्म कर दीजिए अंग्रेजों का बनाया हुआ था उसका कोई पर्पस नहीं था उसका पर्पस था लोगों को ईसाई बनाना अब उसकी कोई जरूरत नहीं है दूसरा जो पॉइंट मैंने उठाया है वो ये है कि नागालैंड और मिजोरम दोनों में आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि कश्मीर में जो 370 आर्टिकल था एग्जैक्टली exactly वैसा ही आर्टिकल 371 ए है नागालैंड के लिए और लगभग वही बात लिखी हुई है उसमें जो कश्मीर को लेकर लिखी हुई थी तो नागालैंड की प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर वो सब काम कर ही नहीं सकती जैसे वो कश्मीर में नहीं कर सकती थी और यही चीज मिजोरम को लेकर के मिजोरम का फर्क यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया गया था यह राजीव गांधी और मिजोरम के उस समय की सरकार की इसका समझौता था मगर समझौता में वादा किया गया है कि मिजोरम के किसी भी काम में हम इंटरव्यून नहीं करेंगे जब तक कि मिजोरम की असेंबली ये बात नहीं करती तो यदि आपको पूरे देश के बाकी स्टेट के बराबर होना है तो ये जो दोनों मैं मानता हूं सेपरेटिस्ट अरेंजमेंट है इनको इसको हटाना पड़ेगा तो ये अगर आप करेंगे तो फिर चीन आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी कर सकता क्योंकि वो आपस में वो ऐसा ही स्टेट हो जाएगा जैसे बिहार है उड़ीसा है उत्तर प्रदेश है आप भारत आते हैं जानते हैं उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग आएंगे जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे कोई जाए कहीं कुछ करे जमीन खरीद ले मकान बना ले दुकान खोल ले तो ये जो है सहजता से उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डॉक्टर साहब आपसे आज बातचीत करके मुझे एहसास हो रहा है कि आपसे तो हम भी और हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे जो नॉलेज़ हैं उनके हवाले से बहुत कुछ सीख सकते हैं हमें यह भी पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती होता है लेकिन हमारी इच्छा होगी कि आने वाले दिनों में आपसे हम गुजारिश करते रहें आप हमें डिफ़रेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर अपने ज्ञान से हमें नवाजते रहें बहुत ही आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि इस किताब के हवाले से या जो आज आपके साथ मेरी डिस्कशन हुई उस हवाले से कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि करना जरूरी है तो जरूर कीजिए नहीं मैं तो सिर्फ इतना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए मेरी बात है ये कि वो ऐसा काम अवश्य करें कि जो आज भी चाहे वो ईसाइत हो इस्लाम हो उसके बारे में जाने समझें और उसके पहले जो अतीत था उसकी तरफ देखें क्योंकि मैं ये मानता हूं और मैंने बहुत सारे अः सारी किताबों को पढ़ के मैंने मन बनाया है कि उसके पहले की जो दुनिया थी गोरा साहब वो बड़ी अच्छी दुनिया थी जिसमें इस तरह की बात नहीं थी कि केवल हम ही सही है देखिए समस्या इस्लाम और ईसाइत के साथ यह है कि ये दोनों यह दावा करते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में कोई भी किसी काम का नहीं है और कहीं कहीं तो कहते हैं कि उनकी वो, वो क्या बोलते हैं उसको कतल के लायक हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी दुनिया में ये जागरूकता होनी चाहिए कि वो दोनों को समझें और बारीकी से समझें फिर अपना मन बनाए देखें कि हम कौन सी सभ्यता कौन सी संस्कृति पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं जिससे ये दुनिया ऐसी दुनिया खिल जाए कि कोई कहीं जाए कहीं रहे हंसी खुशी का माहौल हो किसी को शक शुभा ना हो कोई एक दूसरे से हिंसा का व्यवहार ना करे कोई किसी को मारे ना क्योंकि वही पुरानी चीज होनी चाहिए देवी देवताएं हों चारों ओर हो लोग पूजा करें गाएं हंसे बोले आपको आश्चर्य होगा कि नहीं ईसाइत में न इस्लाम में दोनों में हंसी खुशी है ही नहीं आपको उसमें केवल शोक है केवल दुख है अमेरिका में मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि करीब सौ डेढ़ सौ साल पहले ही जब पहली बार क्रिसमस मनाया गया जिसमें झालर ओर लगाए गए कुछ लोगों ने गाया हुआ सबको दंड दिया गया सबको पनिशमेंट दिया गया कहा कि क्रिश्चियनिटी में हंसना ही मना है तुम हंस कैसे सकते हो तुम गा कैसे सकते हो इस्लाम में तो चाहे म्यूजिक हो आर्ट हो यहां तक कि शायर तक को अच्छा नहीं माना गया तो ये कैसी दुनिया है जो बनाई गई और हम लोगों को कैसे उल्टा पुल्टा समझा दिया गया इस ओर जितना ज्ञान फैले और आपके मंच मंच के माध्यम से फैले मुझे और भी अच्छा लगेगा यही मेरी आखिरी बात है डॉक्टर साहब बहुत ही आपने आर्टिकुलेट अंदाज के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इतनी गंभीर फिलॉसफी को इतने सिंपल शब्दों में बयान किया है कि मैं जब आपसे गुफ्तु रिकॉर्ड कर रहा था तो एक, एक शब्द मेरे कानों के ज़रिए मेरे दिल पर उतर रहा था और मेरा ये आ, मानना है कि हमारे व्यूर्स भी आपके शब्दों को उसी ढंग से महसूस करेंगे जिस ढंग से मैंने महसूस किया आपके आज के इंटरव्यू के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में फिर आपके ज्ञान को हम सुनते रहें और उस ज्ञान को सिर्फ सुने ना बल्कि उसको महसूस करें उसको एब्जॉर्व करें और फिर उसको सेलिब्रेट करें जो आपने बात की बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके वक्त देने का बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद आप सब लोगों को आपको भी आपकी पूरी टीम को भी मैं जानता हूं आपकी बड़ी टीम है बहुत लोग लगे होते हैं और सारे संसार में आपके जो श्रोता हैं दर्शक हैं उनको फिर से प्रणाम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत व्यूर्स आप सुन रहे थे डॉक्टर चिंदर कुमार जी की जिनकी किताब ईसावाद और पूर्वोत्तर भारत का संस्कृत संहार बहुत ही बढ़िया किताब है आप गरुडा पब्लिशर्स से ऑनलाइन बाय कीजिए भारत में अगर हैं तो बुक शॉप से लीजिए और ये किताब जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा और मैं भी कह रहा हूँ ये किताब सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने में ही मदद नहीं देगी बल्कि ये किताब आपको इंटरनेशनल परस्पेक्टिव को समझने में भी मदद देगी आज का तजिया इस किताब के हवाले से देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अमेरिका कैनेडा में अगर आप रहते हैं तो हमारा जो ट्वेंटी फोर सेवन स्ट्रीमिंग चैनल है जो आई पी बॉक्स पर अवेलेबल है लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं आप उसको देखिए और आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ताकि आपकी कंट्रीब्यूशन से हम अपने नेरेटिव को और आगे लेकर चलते रहें Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.